दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों आप लोगों का एग्जाम जो ना 24 जनवरी को इंग्लिश का होने जा रहा है, यानी कि अंग्रेजी का। तो अभी कैसे वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊँगा, साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का विषय कोड जो है ना 113 रहेगा। एग्जाम में टाइम जो ना टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल जो ना 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ना देखिए सेशन ए में ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 1 से लेकर 30 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है। तो मैं ना आपको 300 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ना पहला नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला जो प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए द मेन कैरेक्टर इन द पेस फॉर लिविंग विच द ऑथर से वाज या एन। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूँ। पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए नोट कर लेना है, ये होगा क्या हो जाएगा एल्डरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 2 नंबर पूछा जा रहा है द जो है ना ऑथर, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा गया देख लीजिएगा, एडूमलस डैट क्विकली ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवल डैट द रियल डैश डैश द ट्रेवलर। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रेवलर है ना, तो प्यारे बच्चों देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा 2 का, तो नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, यानी कि प्लेसर होगा। ठीक है, प्लेसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है जिम आस्क द ग्रीन क्या है बच्चों, ग्रीनी। ठीक है, ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गेमिंग चिल्ड्रेन हाउ डस डस डेम। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना है 3 नंबर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कलेक्टेड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 नंबर है, तो यहाँ पर पूछा गया जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डैट इट वुड रिड्यूस डैश डैश उसके बारे एंड सेव इलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज दिस हिज कार। ठीक है, तो बिल्कुल पर नोट कर लेना 4 का, ऑप्शन बी होगा, यानी कि यह जगह पलू थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर है ना 5 पूछा जा रहा है। व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू उसके बारे इट हर। तो बिल्कुल आप नोट क्या करना है 5 का, तो आपको नोट कर लेना है ऑप्शन ए, यानी कि यह जगह अटेंशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहां पर बोला जा रहा है 6 नंबर प्रश्न की गिल्लू फेवरेट फूड, तो गिल्लू का जो फेवरेट फूड था तो नोट कर लेना है बच्चों, 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ये हो जाएगा काजू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ डैश डैश फिल्म्स। बिल्कुल यहां पर आप लोगों को ना 7 नंबर का नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि होगा वेस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर बोला जा रहा है द सिनेमा डैश डैश इन रेबोलिया क्या होगा पैर यहाँ पर लिखा गया वेरियस मेस्योर द फंक्शन ऑफ पोएट्री म्यूजिक पेंटिंग उसके बाद ड्रामा इस प्रकार से। तो पहले बच्चों यहाँ पर नोट आप लोगों को आट कर लेना है ऑप्शन ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 नंबर का नोट करेंगे, तो 9 का क्या राइट आंसर होगा नोट कर लेना आप लोगों को, इसका बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये आपको पीपल नोट करना है। 10 नंबर देख लीजिए क्या पूछा गया हाउ इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस स्पीच, तो बिल्कुल नोट कर लेना 10 का, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये होगा अंग सन सू क्यू। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन आपका बी होगा। 11 का नोट कर लीजिए, तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपको नोट कर लेना है 11 का ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि ये आपका इंटेलिजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए 12 नंबर है हाउ इज द राइटर ऑफ ऑन वन सेस अपॉन ए टाइम, तो बिल्कुल इसका लेखक कौन है ये पूछा गया ना, तो बिल्कुल आप लोगों को नोट कर लेना 12 का भी ऑप्शन बी होगा, यानी कि टोनी मेडिसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट होगा, तो आपको नोट कर लेना 13 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा बी। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहां पर देखिए 14 नंबर है, पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है यहाँ पर वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रो एंड चेंज, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना प्यारे बच्चों 14 का ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि होगा इंडियन एंड चाइना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का नोट करेंगे, तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यह होगा हैप्पीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग नोट कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, विच फेस्टिवल इज रेफर्ड
टू बाई द राइटर इन टाइटल गर्ल्स, उसके बाद में जो हो जाएगा टाइटल नहीं है राइटर गर्ल, उसके बाद यहाँ पर है वेसर दैन मैन, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या नोट करेंगे 16 का, बिल्कुल चलिए ऑप्शन सी होगा यानी कि ईस्टर होगा। चलिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है सद्दा नंबर द टाउन्स पीपुल डू नॉट इंजॉय एनी रियल, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नोट कर लेना है आप लोगों को, 17 का भी ऑप्शन ए होगा, क्या हो जाएगा यानी कि होगा एक आंसर ही, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंसर ही है प्यारे बच्चों, साइंसर ही है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए 18 का क्या राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है फादर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर पूछा जा रहा है पॉलीथीन बैग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डैश डैश, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 19 का भी नोट कर लेना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा यानी कि दुर्गा प्रसाद पंडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है लॉर्ड कृष्णा हैड नोट मीट डैश डैश फॉर सम टाइम, तो बिल्कुल यहाँ पर 20 का भी आपको नोट करना है तो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि राधा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का नोट कर लेना, तो इसका भी राइट आंसर जो होगा आपको नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ट्री होगा, ठीक है क्या हो जाएगा ट्री होगा। चलिए आगे बढ़ते यहां पर ना पूछा गया 22 नंबर, तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मेमोरियस, ठीक है। आगे बढ़ते 23 की ओर, तो 23 का भी आंसर नोट कर लेना है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि हार्ट होगा, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर ना 24 का क्या होगा, तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना जैसे कि मार्था यूज्ड टू टॉल उसके बाद टॉल हर स्टोरेज इन द हर जेल डैश डैश, तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना 24 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा यानी कि यह होगा ग्लेन, ठीक है चलिए यहाँ पर 25 का नोट कर लेना है, तो 25 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना आपको नोट कर लेना है ये होगा वी यानी कि ये होगा लेबोरियल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे जो है ना 26 से उत्तर बताने से पहले ना सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर कैसे डाउनलोड करना है ये बता देता हूँ ताकि आराम से आप डाउनलोड करेंगे, फिर 26 नंबर से ना आपको उत्तर भी हम बता देंगे। प्यारे साथियों पेपर डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना, उसके बाद यहाँ पर सर्च बार का आइकन मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और अभी आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर मात्र, आपको जो है ना चैनल का नाम सर्च कर लेना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जो है ना बच्चों ओपन होगा, देख लीजिए चैनल का नाम आपको सर्च करना है मिथुन स्टडी सेंटर वाला, यहाँ पर देखेंगे ना तो फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का जो है ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए ये रहा वेबसाइट, इसी पर आपको आना है और प्यारे बच्चों क्या करना है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए फटाफट से ना क्लिक कर लेते हैं, तो देखिए इस प्रकार से खुलेगा इंटरफेस। अब तो प्यारे साथियों अब आपको क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले, ठीक है इस प्रकार से पहले इंटरफेस खुलेगा तो देख लेना है सही तरीके से, और आपको क्या करना है फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको चले आना है। आप लोग क्लास 9th में है तो आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पर एक क्लास 9th का जो है सेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, और फर्स्ट में लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 9th जनवरी मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड, तो फर्स्ट वाले बड़ी आपको जो है ना क्लिक कर लेना है कुछ इस प्रकार से। प्यारे साथियों अब आपके सामने ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, अब आपको क्या करना है फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9th के लिए ना सभी सब्जेक्ट का 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर आपको यहाँ पर देखने को जो है ना मिल जाएगा, जो कि जनवरी मंथ का जो भी आंसर मैंने आपको बता रहा था, ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों आपको ना स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक पे प्यारे बच्चों आप लोगों का ना फाइनल एग्जाम जो है ना क्लास 9th का मार्च महीने में होगा, उसको पास करेगा तभी आप लोग 10th में जा पाइएगा, तो उसके लिए ना इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी, व्हाट्सएप ग्रुप ना फॉलो करने का ऑप्शन देगा तो फॉलो आपको कर लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों इस प्रकार से थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहां पर देखिए क्लास 9th का ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए डाउनलोड कर सकते हो, यहां पर ना पेपर का नेम इधर है, इधर डाउनलोड लिंक है, कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए इंग्लिश का जैसे आपको डाउनलोड करना है तो यहां पर देखेंगे ना इंग्लिश लिखा हुआ है, इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पर आपको क्या करना है इस प्रकार से ना क्लिक कर लेना है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस वगैरह ओपन होगा, तो इसको एक बार क्या करना है खोल करके अच्छी तरीके से देख लेना है, लगभग जो है ना 15 से लेकर 25 सेकेंड आपको वेट करना है ताकि पेज पूरा रिफ्रेश हो जाए और आराम से जो है ना आप लोग पेपर को डाउनलोड कर पाए। प्यारे साथियों अब जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, अब आपको क्या करना है देख लीजिए इस प्रकार से नीचे आना है, यहाँ पर ना इंग्लिश का जो है ना 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर आपको देखने को मिलेगा, फटाफट हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले ना जो ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको बता रहा था प्यारे बच्चों यहाँ पर से आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड कर लेना, अभी अपडेट नहीं किया हूँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग आओगे ना तो यहाँ पर अपडेट किया हुआ मिल जाएगा, तो 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड कर लेंगे, जस्ट इसको नीचे आइएगा तो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव का आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव का डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बता दिया
दिया हूँ, आराम से डाउनलोड कर लेना। चलिए फटाफट से 26 नंबर का उत्तर नोट कर लेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 27 का नोट करेंगे तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो डी आपको रॉयल नोट कर लेना। चलिए 28 का नोट कर लीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 8, ठीक है, क्या हो जाएगा 8। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ना 29 नंबर है तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए होगा गेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30 की ओर तो 30 का भी ऑप्शन बी नोट कर लेना। तो पहले बच्चों मैंने आपको टोटल जो ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, सब्जेक्टिव का ना वीडियो भी आएगा साथ में, वहाँ पर मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बताया, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और पहले बच्चों आप जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए, आप लोग आराम से देख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय।